नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल एक्सप्लोर हिमालय में, जिसमें हम उत्तराखंड के आपको अलग अलग जगह की झलकियाँ दिखाते हैं और यहाँ के कल्चर से आपको रूबरू कराते हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और लाइक कीजिए और साथ ही कमेंट कीजिए कि आपको वीडियो कैसे लगी। चलिए दोस्तों, आपको ले चलते हैं हम सीधे सफ़र में, जो कि हम निकले हैं बिंता से सोमेश्वर के लिए। ये सोमेश्वर के रास्ते की वीडियो है। अब यहाँ पर देखेंगे आप कि सावन का मौसम है और लोग अपने अपने खेतों में रुपाई की तैयारी कर रहे हैं, कुछ लोग रुपाई लगा रहे हैं। देखिए पहाड़ों में किस तरह से रुपाई की जाती है और किस तरह से धान लगाए जाते हैं, ये देखिए सामने आपको दिख रहा होगा। अलग अलग जगह पर लोग अपने अपने खेतों में रुपाई की तैयारी कर रहे हैं। ये सड़क देखिए बहुत ही अच्छा नज़ारा है। आप देखिए मौसम कितना सुंदर है, कितना सुहाना मौसम हो रहा है। सफ़र करने में बहुत आनंद आ रहा है। आप भी हमारे साथ चलिए और आप भी सफ़र का आनंद लीजिए। देखिए कितने अच्छा है मौसम है। और आगे अभी और देखेंगे आपके लोग अपने खेत में किस तरह से काम कर रहे हैं, रुपाई लगा रहे हैं। इस समय पहाड़ों के सारे किसान अपने अपने खेत में धान की रुपाई करने में व्यस्त हैं और मस्त भी हैं। बहुत अच्छा कल्चर यहाँ पर होता है। लोग रुपए के खेत में गाने गाते हैं और उनका चातरी लगाते हैं। आप देख रहे होंगे कि मौसम बहुत सुंदर है, बहुत सुहाना है। आप देख रहे होंगे, इसका महसूस कर सकते हैं आप अगर आप थोड़ा सा ध्यान दें। दोस्तों आप कमेंट में ज़रूर लिखिएगा कि आपको ये वीडियो कैसी लग रही है, आपको यहाँ का कल्चर कैसा लग रहा है। देखिए अभी हम आगे चलते जा रहे हैं, कितना अच्छा यहाँ रास्ता है। और ये एक्चुअली ये जो क्षेत्र है, ये थोड़ा सा मैदानी जैसा क्षेत्र है। ये अल्मोड़ा ज़िले के अंतर्गत आता है। अल्मोड़ा से कम ये 30 से 35 किलोमीटर दूर का क्षेत्र है। बहुत खुला क्षेत्र है, दूर दूर तक आपको यहाँ पर पहाड़ नज़र नहीं आते हैं। थोड़ा बीच में मैदान जैसा क्षेत्र है। ये क्षेत्र आपको कुछ लोग दिखाई दे रहे होंगे अपने अपने खेतों में काम कर रहे हैं। ये देखिए आप साफ साफ देख सकते हैं। परंतु अभी मैं सफ़र में हूँ तो पूरा मैं इसको आपको ठीक से दिखा नहीं पा रहा हूँ। मैं आपसे वादा करता हूँ, कभी आपको अगर मौका मिला तो ज़रूर आपको अच्छे से मैं रोक कर ये चीज़ दिखाऊँगा। ये देखिए फिर दूर वहाँ पर देखिए क्योंकि काम कर रहे हैं खेत में, आप रुपाई कर रहे हैं धान की। दोस्तों प्लीज़ प्लीज़ आप अपने कमेंट में ज़रूर बताइए। देखिए फिर लोग काम कर रहे हैं, दिखाई दे रहे हैं साफ साफ आपको। देखिए कितना अच्छा मौसम यहाँ पर है। ये महिला पौध की टोकरी लेके अपने खेत में जा रही है। बहुत मेहनती लोग होते हैं यहाँ के और बहुत सीधे और सच्चे लोग होते हैं पहाड़ों में। कभी आप आइए तो आप खुद इस चीज़ को महसूस करेंगे। देखिए कितना अच्छा ये क्षेत्र है, कितना सुंदर क्षेत्र है। कभी इस क्षेत्र में अगर आपको आने का मौका मिलेगा तो इस क्षेत्र में ज़रूर आइए। ये रानीखेत से कोसी के रास्ते यहाँ पर आया जाता है। अगर आप रानीखेत से भी आ सकते हैं, रानीखेत के रास्ते बिंता गगास होते हुए ये क्षेत्र आपको देखने को मिल जाएगा। बहुत ही सुंदर क्षेत्र है यहाँ पर। देखिए लोग कितने बड़े बड़े खेत हैं, मैदान खेत हैं। जैसे अक्सर आपने देखा होगा पहाड़ों में बिल्कुल ऊंचे नीचे सीढ़ीदार खेत होते हैं, मगर इस क्षेत्र में आपको काफ़ी बड़े बड़े और चौड़े खेत मिल जाएंगे, मैदान खेत मिल जाएंगे। आप कभी अगर मौका मिले तो इस क्षेत्र में ज़रूर आइएगा। बहुत सुंदर क्षेत्र ये है, मौसम बहुत शानदार। देखिए आप खुद देख रहे होंगे इस चीज़ को। मुझे भी इस सफ़र में बहुत आनंद आया था। आप भी आइए, आपको भी बहुत आनंद आएगा इस सफ़र में। देखिए लोग अपने खेतों में काम करते हुए, आपको शायद दूर से इतना साफ नहीं दिखाई दे रहा होगा अगर आप गौर करें। दोस्तों वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।